YouTube एडवर्टाइजमेंट चलाना चाहते हो, क्या आपने सब्सक्राइबर, क्या आपने व्यूज बढ़ाना चाहते हो, तो मैं लेके आया हूँ YouTube एड सीरीज आपके लिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं 3 से 4 वीडियो में लगातार कह रहा हूँ आपको कि मैं YouTube एड सीरीज लाने वाला हूँ, ताकि आप अपने YouTube चैनल को कर सकते हो ग्रो और गेन कर सकते हो सब्सक्राइबर विद इन 1 वीक 1 मंथ। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हर एक यूट्यूब क्रिएटर का ये एक मकसद होता है, पहला गोल होता है कि वो अपने 1,000 सब्सक्राइबर गेन कर ले एक वीकली, क्योंकि उसके बाद उसको मोनेटाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है। तो यार दोस्तों यही यूट्यूब एड्स का एक फायदा भी है, जिससे आप इंस्टेंटली गेन कर सकते हो अपने 1,000 सब्सक्राइबर क्विकली। तो दोस्तों इस यूट्यूब एड सीरीज में मैं आपको बताने वाला हूँ ट्यूटोरियल्स पूरा बेसिक से लेके ए टू जेड तक, मतलब पूरा उसके अंदर डिटेल एंड डिटेल पूरा फाड़ के अंदर जाने वाले, पूरा इन्फॉर्मेशन लेने वाले है पूरा का पूरा, उसका न्यू डैशबोर्ड के साथ कुछ फीचर्स, कुछ स्ट्रेटजी, कुछ टैक्टिक्स, कुछ ट्रिक्स, टिप्स, पूरा का पूरा एक एड सीरीज आपको मिलने वाली है मेरे YouTube चैनल और साथ में मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है। ये है पार्ट नंबर 1 और आप देख रहे हैं पवन मार्केटिंग। सब्सक्राइब अगर नहीं कर दिया तो यार सब्सक्राइब कर दो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पवन राजपूत और आप देख रहे हैं पवन मार्केटिंग। सो यार दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि YouTube एडवर्टाइजमेंट होता क्या है। यार दोस्तों एक बात समझ लो कि दोस्तों आप YouTube ऐड में क्या करते हो, आप YouTube को कुछ पैसे देते हो और YouTube उस पैसे के बदले में आपकी उस वीडियो को प्रमोट करता है YouTube के प्लेटफॉर्म पर उस इंटरेस्टेड बेस के पर। एग्जांपल के लिए मान लो कोई आपका डिजिटल मार्केटिंग का कोई वीडियो है, ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग में कोई जितने भी इंटरेस्टेड लोग है उनको आपकी वो वीडियो बताता है तो वहां पर वो प्रमोट करता है, राइट। मतलब वहां पर आपको उस टारगेटेड ऑडियंस को आपको एक फीचर देता है जहां पर आप अपने टारगेटेड ऑडियंस को टारगेट करके अपने सब्सक्राइबर, अपने व्यूज गेन कर सकते हो। तो यार दोस्तों यही है प्रमोशन, इट इज कॉल्ड एज यूट्यूब एड्स। सो यार दोस्तों कुछ भी अगर डाउट होना यार जल्दी जल्दी कमेंट कर, क्योंकि यार दोस्तों मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने वाला हूँ विद इन 24 आवर्स। ट्राई करके देखो, कमेंट करो आपका क्वेश्चन और इंस्टेंटली आपको आंसर मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको YouTube ऐड क्या है समझ में आ गया होगा। तो यार दोस्तों अगर YouTube ऐड समझ में आ गया, अगर इंटरेस्टेड हो तो यार टाइप ऑफ एड्स भी जानना जरूरी है। सो लेट्स टॉक इट अबाउट टाइप ऑफ एड्स। तो यार दोस्तों टाइप ऑफ एड्स को समझना काफी जरूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों जो टाइप आती है डिस्कवरी एड और डिस्प्ले एड। तो दोस्तों इसके अंदर जो एडवर्टाइजमेंट आती है वो आती है अगर कोई बंदा अगर कीवर्ड सर्च करता है, मान लो एग्जांपल के डिजिटल मार्केटिंग, तो जो फर्स्ट नंबर पे जो वीडियो आती है वो एड के रिलेटेड आती है, राइट। तो दैट्स इज कॉल्ड डिस्कवरी एड्स। अगर कोई सर्च करता है तो जो एड आती है उसे डिस्कवरी एड कहते हैं। और डिस्प्ले एड दोस्तों वही होता है जो वीडियो के नीचे होता है, वीडियो के बगल में होता है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो एड आती है दैट्स इज डिस्प्ले एड। और दोस्तों और कुछ इंस्ट्रीम एड्स होती है जो कि वीडियो के पहले आती है, कुछ एड ऐसी दोस्तों जो स्किपेबल होती है और नॉन स्किपेबल होती है जो कि 5 सेकंड के बाद आपको स्किप करने का बटन मिल जाता है। तो कुछ एड दोस्तों आपको फुल देखनी पड़ती है 10-15 सेकंड तक, दैट इज नॉट स्किपेबल और स्किपेबल एड, दैट इज नॉट स्किपेबल और स्किपेबल एड्स। और दोस्तों कुछ एड होती है बंपर एड्स। तो दोस्तों ये बंपर एड्स दोस्तों पूरी की पूरी आपको देखनी पड़ती है जहां पर आप स्किप नहीं कर पाते। दोस्तों ये है कुछ अलग अलग दोस्तों डिस्प्ले एड, इन डिस्प्ले एड, स्ट्रीम एड, इन सबको मिला के दोस्तों ट्रीव्यू एड्स का एक ग्रुप बनता है। और बंपर एड्स के अंदर दोस्तों स्किपेबल और नॉन स्किपेबल का एक ग्रुप बनता है। तो दोस्तों जनरली दो ही ग्रुप आते हैं, एक ट्रीव्यू और एक बंपर, ये दो टाइप होते हैं वीडियो एड्स के। और भी दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा टाइप्स होते हैं जो कि दोस्तों जनरली वेबसाइट के लिए यूज किए जाते हैं। कुछ होते हैं ओवरले एड्स दोस्तों, जो कि आपने कभी कभी देखा होगा कोई तो ऐसा डब्बे जैसा एक एड आ जाती है जिसके अंदर कोई वेबसाइट होती है जनरली। और कुछ ऐसे एड आते हैं जो कि आई बटन, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो इस आई बटन के अंदर भी कुछ एडवर्टाइजमेंट आती है। तो दैट इज आई बटन एड्स। तो ऐसे काफी सारी एडवर्टाइजमेंट होती है जो कि हम कर सकते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि हमारे लिए सबसे अच्छी टाइप ऑफ एड कौन सी है, इसे जानना इसे समझना काफी जरूरी है। तो यहाँ पर अलग अलग हम कभी कभी दोस्तों अलग अलग टाइप में कुछ पे पर व्यू, मतलब कुछ 1,000 लोगों को एड दिखाने पर हम कुछ पे करते हैं यूट्यूब को, तो कभी हम बस एक क्लिक के, एक वीडियो के, एक व्यू के हम पे करना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर अलग अलग टाइप में अलग अलग प्रकार की हमें बिडिंग स्ट्रेटेजी मिलती है जहाँ पर हम कर सकते हैं। पर दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर हमें पार्ट 2 वीडियो बनाना चाहिए जो कि मैं बनाने वाला हूँ। पार्ट 2 के अंदर दोस्तों मैं टाइप ऑफ एड के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, हमें कौन से प्रकार के एड्स यूज करने चाहिए और काफी सारी इन्फॉर्मेशन हम देखने वाले हैं पार्ट 2 के अंदर। टाइप ऑफ एड्स फुल होने वाला है टाइप ऑफ एड्स पार्ट 2। ओके तो दोस्तों अब बात आती है बेनिफिट ऑफ यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट, यूट्यूब एड्स। यार दोस्तों सबसे बढ़िया, सबसे माय फेवरेट बेनिफिट जो है वो है एडिंग यूर वीडियो इन ब्राउजर फीचर।
तो जैसे कि आपको पता है टाइप ऑफ सोर्स, टाइप ऑफ ट्रैफिक सोर्स। अगर आप एक YouTube क्रिएटर है तो वहां पर आपको दोस्तों एक YouTube स्टूडियो में एक ऑप्शन मिल जाता है डिस्कवर ऐड में टाइप ऑफ ट्रैफिक सोर्सेस, तो जिसके अंदर सेकंड नंबर पे जनरली होता है ब्राउजर फीचर। तो ये ब्राउजर फीचर इतना काम का है कि मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ब्राउजर फीचर में क्या होता है, अगर कोई बंदा आपकी वीडियो को जस्ट प्ले करता है, उसे देखता है 40-50% और वो अगर सब्सक्राइब नहीं करता, लाइक भी नहीं करता, तो वहां पर अगर वो बंदा आपके वीडियो को अच्छे से देख लेता है, अच्छा खासा वॉच टाइम आपके वीडियो को दे लेता है, तो वहां पर अगर कोई आप न्यू वीडियो अपलोड करते हैं अपने चैनल पे, तो 101% YouTube आपके उस वीडियो को उस बंदे को सजेस्ट करे। और दोस्तों इसके अंदर दूसरा जो फीचर मुझे अच्छा लगा दोस्तों मेजरेबल है, मतलब आप चाहे तो पे कर सकते हो, आप चाहे तो 1000 बार लोगों को बताने पर आप पे कर सकते हो, या फिर एक व्यू के एक क्लिक के आप पे कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करते हो। एक क्लिक के अंदर भी अगर बंदा अगर 30 सेकंड वीडियो देखता है तो ही आप पे करते हो, ये एक सबसे अच्छा बेनिफिट है यूट्यूब ऐड का दोस्तों। गूगल की ऑफर ये है कि अगर आप 500 अगर आप इन्वेस्ट करते हो अपने यूट्यूब ऐड्स में, तो दोस्तों गूगल आपको दे रहा है 2000 का ऐड क्रेडिट, मतलब 2000 रुपीज दे रहा है, मतलब टोटल अमाउंट दोस्तों आपको 2500 रुपीज मिल रहे हैं। जैसे आप ये देख पा रहे हो स्क्रीनशॉट, जल्दी से जल्दी जाइए गूगल पे या फिर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, कमेंट में लिंक दे दूंगा, उस कमेंट के लिंक के थ्रू जाइए और जल्दी से जल्दी अपना ईमेल डाल के अपना न्यू अकाउंट क्रिएट कर लीजिए और लीजिए 200 रुपीज का कूपन कोड। वो कूपन कोड आपको ऐड करना है आपके एडवर्ड अकाउंट में, जो कि दोस्तों गूगल एड्स का अकाउंट होता है, सिंपली साइन अप कर लेना है। दोस्तों अगर आप यूट्यूब ऐड में इंटरेस्टेड हो तो यार जल्दी जल्दी जाओ ये कोड उठाओ, एक नया अकाउंट क्रिएट करो। एक खास बात दोस्तों, ये कोड सिर्फ इंडिया के लिए वैलिड है, और दूसरी बात ये सिर्फ 31 दिसंबर तक ही वैलिड है, और ये न्यू यूजर न्यू एडवर्ड अकाउंट्स के लिए है। तो मेक श्योर कि आप न्यू अकाउंट फ्रेश अकाउंट गूगल एड्स एंड गूगल एडवर्ड बनाएं और ये कोड यूज करें, काफी अच्छा कोड है, 25 का एडवर्ड मिल रहा है यार, कर लो जल्दी से। दोस्तों यहाँ पर मैं आपके साथ प्लानिंग शेयर कर रहा हूँ, पार्ट 2, 3, 4 में आपके साथ क्या बताने वाला हूँ, तो ये पूरी प्लानिंग कर ली है, मेरे ध्यान में नहीं बैठता, इसे मैं अपना फोन ले लिया है और मैं आपको बताने वाला हूँ, शायद ध्यान से सुनिएगा। ये दोस्तों पार्ट टू के अंदर दोस्तों हम देखने वाले टाइप ऑफ एड्स, कौन सी एड सबसे कौन से टाइप ऑफ एड बेस्ट होने वाली है आपकी वीडियो के अंदर, और कौन सा वीडियो आपको प्रमोट करना चाहिए, ये सब हम पार्ट टू के अंदर जाने वाले हैं। पार्ट थ्री के अंदर दोस्तों हम कीवर्ड कैसे फाइंड करना है, और जो दो कॉलम जो एक्स्ट्रा आते हैं दोस्तों एवरेज CPC और कॉम्पिटिशन, उसका कैसे यूज करना है, और काफी सारे कीवर्ड का यूट्यूब एड्स के लिए कैसे कीवर्ड अच्छे से फाइंड कर सकते हैं, एक पावरफुल कीवर्ड जिसे आपके एडवर्टाइजमेंट कम पैसों में ज्यादा रन कर सके, तो वो सब इन्फॉर्मेशन हम पार्ट थ्री के अंदर लेने वाले हैं। जनरली दोस्तों पार्ट थ्री जो होने वाला है ट्यूटोरियल बेस होने वाला है, और पार्ट फोर के अंदर दोस्तों मेन हमारा जो कि एक यूट्यूब एड सीरीज का मेन पार्ट है, जिसके अंदर हम यूट्यूब ट्यूटोरियल एड्स जो कि हम पूरा का पूरा एक लाइव प्रैक्टिकल लेने वाले हैं। मैं अपने चैनल का एक वीडियो प्रमोट करके आपको बताने वाला हूँ कैसा मैं प्रमोट करता हूँ, कैसा टारगेट करता हूँ, पूरा सब कुछ हम देखने वाले हैं पार्ट फोर के अंदर। और साथ में दोस्तों पार्ट फोर के अंदर दोस्तों हम एडवर्ड यानी गूगल एड्स, जो कि नाम चेंज हो चुका है गूगल एड्स, तो उसके अंदर हम देखने वाले पूरा उसका न्यू जो डैशबोर्ड होने वाला है, उस डैशबोर्ड के अंदर क्या चेंजेस हुए हैं, और पूरा डिटेल में इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं यूट्यूब एड्स यानी गूगल एडवर्ड के ऊपर। सर पार्ट फाइव के अंदर हम मिस्टेक्स के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करने वाले हैं कि दोस्तों मैंने अपने एक साल के यूट्यूब एड्स के करियर में, यानी एक साल का जो एक्सपीरियंस है मेरे पास यूट्यूब ऐड का, उसके अंदर मैंने क्या क्या मिस्टेक किए, क्या क्या मिस्टेक आपको नहीं करने चाहिए और किस बात का ध्यान रखना चाहिए, वो सब हम पार्ट फाइव के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और पार्ट सिक्स के अंदर दोस्तों हम FAQ मतलब आपके क्वेश्चन और मेरे आंसर होने वाले हैं पार्ट सिक्स के अंदर। सो मेक श्योर कि आप हर वीडियो हर पार्ट के अंदर आपका एक अच्छा सा क्वेश्चन कमेंट कीजिए, जिससे मैं आपका क्वेश्चन पार्ट सिक्स के अंदर ले लूँ। तो दोस्तों यहाँ पर पार्ट सिक्स के अंदर हमारे सीरीज कम्प्लीट होने वाली है, और साथ में दोस्तों इसके बाद मैं जो कुछ छोटे छोटे वीडियो बनाने वाला हूँ, जैसे यूज ऑफ एड शेड्यूल, टिप्स और ट्रिक्स, स्पेशली दोस्तों जो ट्रिक आपको बताऊंगा काफी बेनिफिशियल होने वाले हैं, आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा पार्ट पूरा सीरीज खत्म होने के बाद यूट्यूब ऐड के ही प्लेलिस्ट के अंदर। सो यार सब्सक्राइब कर दो, मैंने आपको प्लानिंग शेयर कर दी है, आई होप आपको पसंद आया, क्योंकि यार दोस्तों मैं फुल ऑन फुल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मैं एक भी चीज ऐसे नहीं छोड़ना चाहता कि आपको दूसरे वीडियो पे जाके वो वीडियो पे अंदर आपको वो चीज आपको सर्च करना पड़े। तो यार सब्सक्राइब जरूर कर दो और बेल आइकॉन क्लिक कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, लाइक करना शेयर कर अपने फ्रेंड के साथ।
थैंक यू सो मच।